हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि रेनी सीजन में गुड़हल के पौधे की देख रेख कैसे करें, इसमें क्या फर्टिलाइज़र दें और कैसे दें ताकि हमारा ये जो पौधा इस सीज़न में हेल्दी रह सके। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो रेनी सीजन में हमें गुड़हल के पौधे को धूप में रखना चाहिए। पूरे दिन की धूप भी अगर इस सीज़न में लग जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे दिन की धूप नहीं लग पाता है तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो हमें इसे देना ही चाहिए। बात करते हैं अब गमले की ड्रेनेज हॉल की, तो इसे हमें चेक करना होता है कि ये ड्रेनेज हॉल है ये क्लियर है कि नहीं है, पानी इसमें से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर ये जो हॉल है अगर क्लियर नहीं है तो इसे हम किसी लकड़ी के सहारे क्लियर कर लें, नहीं तो पानी अगर जम जाएगा गमले में तो मिट्टी में फंगस पैदा कर देगा और पौधे हमारे ख़राब हो जाएंगे। इन दिनों कीटों का बहुत ज़्यादा ही अटैक होता है हमारे पौधे पर, तो इनके बचाव के लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। 10 दिन में 12 दिन में एक बार इनका स्प्रे कर दें जिससे पौधे हमारे इन कीड़ों से सुरक्षित रह सके और पौधे हमारे हेल्दी रहें। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र इसे हम दो तरह का भी हम देने जा रहे हैं। एक है प्याज के छिलका जो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल रहता है, और दूसरा है केले के छिलके। तो केले के छिलकों को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और प्याज के छिलकों को, इनको क्या करते हैं कि मिट्टी गमले के मिट्टी को साइड से कोड़ कर इसे नीचे मिट्टी में दबा देते हैं, उसके ऊपर से हल्दी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देते हैं जिससे फंगस ना लगे और कीड़े ना लगे। हल्दी एंटीबायोटिक चीज़ है जिससे पौधे हमारे ख़राब नहीं होंगे और कीड़ों से और फंगस से बचे रहेंगे। उसके बाद हमें इसे मिट्टी से ढक देना है, ये धीरे धीरे पौधों में एब्जॉर्ब, इनकी जो जड़ें हैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहेंगे और पौधों को हमारा हेल्दी बना के रखेंगे। इस फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों में ढेरों सारा फूल खिलते हैं और ढेरों सारा कलियाँ भी आती हैं, और पौधे हमारे फंगस से बचे रहते हैं और पौधे को जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इनसे प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स थे हमारे पौधों के लिए इस रेनी सीजन के लिए। तो फिर से नए वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।